दीपावली के बाद सरकारी कार्यालय और प्राइवेट संस्थाओं में कार्य करने वाले लोग गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली लौट रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों की काफी भीड़ देखी जा रही है। इसके लिए बसें चलाई जा रही है। दीपावली के बाद सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में कार्य करने वाले लोग लौट रहे हैं, इस वजह से बस स्टैंडों पर यात्रियों की भीड़ पहुंच रही है। हालांकि ISBT से गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन दिवाली के बाद अतिरिक्त बस चलाई जा रही है। रविवार को करीब 15 अतिरिक्त बसों से यात्रियों को गंतव्य के लिए भेजा गया। ऐसा दीपावली पर्व पर जो है अपना दिल्ली से नौकरी पेशा वाले काफी लोग इधर आते हैं आगरा में, आगरा काफी लोग नौकरी करते हैं, इसलिए इन सेवाओं का सुचारू संचालन करने के लिए किसी यात्रियों किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही यात्रियों की संख्या बढ़ती है, तुरंत जो है हमारे द्वारा अतिरिक्त बसों उपलब्ध करा करके उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कल से गुड़गांव लौटने वालों का यात्रियों काफ़ी भीड़ बढ़ी है। गुड़गांव, दिल्ली, ऐसे आपका लखनऊ, अनमारा कोई भीड़ है, लेकिन दिल्ली और गुड़गांव पर जो है अधिक यात्रियों की भीड़ दिखाई दी है, इसलिए जो है अतिरिक्त बसें भी संचालित कर सभी यात्रियों को उनके गंतव्य पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, तथा किसी भी यात्री को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाए। सोमवार को भी गुड़गांव जाने वाले यात्रियों की भीड़ ISBT पर पहुंच गए। इस पर करीब 10 अतिरिक्त बस गुड़गांव के लिए रवाना की गई। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए बस स्टैंडों से अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है। ऐसा कल भी लगभग 10-12 बसें भेजी अतिरिक्त भेजी गई थी, आज भी 8 बसें अतिरिक्त भेजी जा चुकी हैं, जबकि पूरी संचालित बसें जो समय सारणी चलती हैं वो अलग हैं, इसके अतिरिक्त भी सेवाएं भेजी जा रही हैं, और अभी भी यदि यात्रियों की संख्या उन्हें फिर बढ़ेगी तो फिर जो है अतिरिक्त गाड़ी भेजने का प्रयास किया जाएगा। ISBT से प्रतिदिन 5 बस गुड़गांव के लिए संचालित की जा रही हैं। इसमें ISBT ईदगाह, शिकोबाद, औरैया और बा से रोडवेज की बस गुड़गांव तक चल रही है। दीपावली के त्योहार पर भी निगम ने रोडवेज बसों की पर्याप्त व्यवस्था की थी, लेकिन दिवाली के बाद लौटने के लिए अतिरिक्त बस चलाई जा रही है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।